हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे, और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत आज हो रही है झमझमाती बारिश के साथ। और ये देखिए, हमारी बिटिया रानी के कारनामे अपना छाता उठाया है और जा रही है बारिश में सैर के लिए। और जैसे ही इन्होंने देखा हल्की हल्की बूंदे गिरने लगी, तब से छाता ही मांग रही थी कि मेरा वाला छाता निकाल दो। तो ये देखिए कैसे खड़ी हो गई है, और छाते पर जब बूंदे पड़ती ना तो उसमें से आवाज आती है, तो उसी को सुन रही है ध्यान से। और इनको इतना बुला रहे थे कि अंदर चली आओ, लेकिन नहीं, किसी की नहीं सुन रही थी। और बाहर सफाई चालू हो चुकी है, पूरे घर की सफाई हो गई थी, बाहर की बची थी। तो वही ये देखिए, पत्तियों का ढेर लगा हुआ है। और यहाँ पर मौसम ऐसा लग रहा था कि दिन भर के लिए आज पूरा मौसम खराब हो जाएगा, लेकिन ये तो कहिए भगवान की कृपा रही, 2-3 घंटे में ही मौसम साफ हो गया था। ये था कि धूप कम निकली थी। और मम्मी जी ने यहाँ पर तैयार कर दिया है खाना, और आज सुबह सुबह बनी है तहरी। इधर दूध रखा है गर्म होने के लिए, उधर हमारी बिटिया रानी की बोतल जो है उबल रही है। तो आज बहुत सारे काम हैं, इतने सारे काम हैं कि समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें। तो ये लोग लग गए हैं घर की सफाई में। सफाई नहीं करनी है, पूरे घर को धोना है। तो यहाँ पर हम नहाकर भी आ चुके थे, खाना पीना हो चुका था, उसके बाद सब लोग अपने अपने कामों पर लग गए हैं। तो जब तक वो लोग घर को धो रहे हैं, तब तक यहाँ पर कपड़ों का ढेर लगा था हमारा, सुबह ही भिगो दिया था। तो हमने कहा चलो इनको पहले धुल के डाल देते हैं। वैसे मौसम तो खराब था, पर क्या करें, भिगो दिया था, इसी वजह से धुलने तो पड़ेंगे। और इतना बड़ा त्यौहार है, अच्छे नहीं लगते ना कपड़े ऐसे गंदे पड़े रहते हो तो। और सबसे पहले हमारे माता पिता को, हमारे भाई बहनों को, और हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारी पूरी फैमिली हंसते मुस्कुराते हुए ये त्यौहार मनाएं, और ढेरों ढेर खुशियां हमारे परिवार के दामन में आए, बस भगवान से यही प्रार्थना है। और ये हमारी पहली दिवाली है जब हम अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मनाएंगे। और सच बताएं ना दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मन प्रफुल्लित हुआ जा रहा है अभी से। तो यहाँ पर बातें करते करते हमारे कपड़े भी साफ़ हो चुके हैं, जो कंबल वगैरह थे वो हमने धुल डाले हैं। अब सूखें या ना सूखें, हमने धुल तो डाले ही हैं। वैसे मौसम साफ़ हो गया था तो धूप भी निकल आई थी। तो अभी इनको हम रख देते हैं, जब तक इनका पानी निकलेगा तब तक हम ऊपर की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि नीचे पूरा घर साफ़ हो चुका है, पूरे घर को धोया जा चुका है, बस ऊपर का हमारा जो रसोई घर है वो रह गया है। और जैसे ही छत पर आए तो देखा चारू और चारू के पापा जी झालर लगा रहे हैं रेलिंग पर। तो वो लोग अपने काम में लग गए, और यहाँ पर हम लग गए हैं अपने काम में। तो रसोई घर को पूरा तो नहीं साफ कर पाएंगे हाथ की वजह से, तो जितने भी बर्तन हैं उनको साफ करके हमने इस बर्तनदानी में रख दिया है, इसको ढक देंगे और शुरू कर देंगे यहाँ की सफाई। और हमारे बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आपका हाथ कैसे जल गया, आपने बताया नहीं। तो दोस्तों, हम आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन इतने ज़्यादा कमेंट आने लगे तो हमने कहा चलो इसका भी जवाब दे देते हैं। तो हमारा हाथ जो है करवा चौथ वाले दिन ही जला था, और जब पूजा का समय हो चुका था, यानी पूजा हमारी हो गई थी, और जब करवा बदले जाते हैं ना, जैसे गौरी से बदला जाता है, तो उसी में बदलने के चक्कर में जो तेल की बाती है, और तेल गरम गरम तेल हमारे ऊपर ही गिर गया था, तो पूरा चिपक गया था। तो वहीं से हमारा जो है हाथ जल गया था। उस टाइम तो नहीं पता चला, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा कि हम नीचे भी आए थे, हमने खाना भी खाया था, बर्तन भी धुले थे, तो सारे काम हो गए थे। तो रात में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, जब सुबह उठे तब हमको लगा कि हाथ कुछ ज़्यादा ही जल चुका है, और तभी से हमने ट्रीटमेंट चालू कर दिया। उसी दिन से डॉक्टर के पास भी जाने लगे, और यकीन मानिए दोस्तों, हमको भी नहीं पता था कि हादसा इतना बड़ा बन जाएगा, कि 8-8 दिन हो रहे हैं और हमारा हाथ अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, और इसकी वजह से इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि आप लोगों को हम बता भी नहीं सकते हैं। बस कभी कभी तो रोना भी आ जाता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।
और काफ़ी हद तक ठीक भी हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 से 4 दिन लगेंगे। तो यहाँ पर अंदर के किचन को हमने साफ़ कर दिया है, डब्बे वगैरह हमने साफ़ करके ढक के रख दिए हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन तो हम चूल्हे में खाना बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे, तो वही सब बंद करके हमने रख दिया है। जब हाथ ठीक हो जाएगा तब अपनी रसोई को अपने तरीके से सजाएंगे। वैसे सोचा तो बहुत कुछ था कि दिवाली में अपनी रसोई को लिपाई करेंगे, पुताई करेंगे, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सोचा हुआ बिल्कुल भी नहीं होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे हमारा हाथ ठीक हो जाएगा, फिर अपने हिसाब से हम करते रहेंगे। तो यहाँ की सफाई हमने कर दी है, बस पोंछा लगाएंगे, यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि साफ़ सुथरा तो पड़ा ही है। बाकी रहा सजाने का काम तो फिर देखा जाएगा, अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और जब तक हमने ऊपर कमरे की सफाई की तब तक कपड़ों का सारा पानी निकल चुका था, तो हमने कहा चलो फैला भी देते हैं। और सब लोग जुटे हुए हैं, ऐसा नहीं कि कोई बैठा हुआ है, नीचे की सफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज पूरे घर की सफाई हो चुकी है, और ये कपड़े रह गए थे तो ये भी धुल के डाल दिए हैं। और मौसम देखिए बदली बदली सी लग रही है। और आप लोगों की तैयारियां कैसी चल रही हैं? वैसे जिस दिन हमारा वीडियो जाएगा उस दिन तो दिवाली होगी, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या तैयारियां की हैं दिवाली में। और आप लोग इतनी दूर दूर से वीडियो देखते हैं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग गांवों से, तो हर जगह का रीति रिवाज अलग होता है, तौर तरीका अलग होता है। तो आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा कि आप लोग दिवाली कैसे मनाते हैं। तो जब हम नीचे आए ना तो पूरा सूख चुका था घर, यानी धुलने के बाद पूरे घर की सफाई लग रही थी कि आज जमकर सफाई हुई है। और यहाँ का गैस चूल्हा उठा के अंदर रख दिया गया है, और पूरा घर बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा लग रहा था। तो आज थोड़ा सा सुकून मिला कि सारे घर की सफाई भी हो गई है और कपड़े भी हमारे धुल चुके हैं। तो उसके बाद बज रहे हैं 2:00 PM, बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे, और हम लोगों की तैयारी हो गई है कहीं जाने की। तो सारे कामों को निपटाकर हम सास बहू चल दिए हैं शॉपिंग के लिए, दिवाली की शॉपिंग होने जा रही है भाई। तो यहाँ पर बिटिया रानी भी जाएंगी, साथ में देवर जी भी हैं और हम भी जा रहे हैं। तो चलिए, नाना जी से कह रहे थे चलने के लिए, लेकिन वो कह रहे थे हम नहीं जाएंगे, हमको कुछ खास लेना नहीं है, तो फिर वो नहीं जा रही। यहाँ पर ये देख, और ये सड़क बन रही है तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी। और बिटिया रानी हमारी बैठी हैं अपनी दादी के पास, और बहुत ही मजबूती से पकड़ा है दादी ने इनको कि कहीं बिटिया रानी गिर ना जाए, और देख देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। बस हमारी चारू को घूमने को मिल जाए तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और जैसे ही हम लोग मार्केट पहुँचे ना, तो आज तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि देखकर समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से कौन सी चीज़ खरीदे। तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं इस दुकान पर, देखी जा रही हैं साड़ियाँ, क्योंकि हम लोगों ने करवा चौथ पर कोई भी साड़ी नहीं ली थी, और यही सोच रहे थे चलो करवा चौथ पर नहीं ली तो क्या हुआ, दिवाली पर ले लेते हैं। तो वही आज आ गए हैं साड़ी लेने के लिए। और यहाँ पर मम्मी जो है चारू के लिए खिलौने भी खरीद लेती हैं, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो जो कुछ समझ में आ रहा था बीच बीच में खरीदते जा रहे थे। और यहाँ पर साड़ियाँ ले ली गई हैं, फिर ननद जी के लिए भी देखे जा रहे हैं कपड़े, क्योंकि वो तो साथ में आई नहीं थी, तो कपड़े ले लिए गए हैं। उसके बाद झाड़ू भी लेनी है, भगवान के माला, आसन, ये सारी चीज़ें लेनी है, तो वही सब चीज़ें देखी जा रही हैं और ली जा रही हैं। उसके बाद हम लोग आ गए हैं छोटी सी गागर लेने के लिए, और यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर खिलौने रखे हुए थे, छोटी छोटी गागर गुल्लक रखी हुई थी, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि कैसे ये लोग बना लेते हैं। और यहाँ पर हम डिजाइन वाली दियाली ले रहे हैं, जो दीपक होते हैं वो ले रहे हैं, वो तो घर में ले ली गई थी लेकिन डिजाइन वाली रह गई थी तो वो लेनी है। उसके बाद आ गए थे भगवान जी की माला लेने के लिए, आसन लेने के लिए, उनके वस्त्र लेने के लिए, तो इस दुकान पर खड़े हो गए। और हमारी चारू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी तो मम्मी उनको लिए हुए हैं। एक रुपए की एक ही वाली
तो यहाँ पर पसंद आ गई है हमको डिजाइन वाली दीपक, तो ये हमने ले ली है। और ये दीपक स्टैंड था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, लेकिन दिक्कत हो रही थी इसको कैसे ले जाएंगे, इसी वजह से फिर इसको नहीं लिया हमने, क्योंकि सामान बहुत सारा हो गया था और इन चीज़ों को बचाकर ले जाना पड़ता था। तो पूरे बाज़ार में रौनक सी छाई थी और लग रहा था हाँ बहुत बड़ा त्यौहार है। तो यहाँ पर ये लोग एक दिन के लिए कितनी सारी मेहनत करते हैं, मिट्टी को इकट्ठा करते हैं, उसको बनाते हैं, उसको पकाते हैं, तब जाकर बाज़ार में ला पाते हैं बेचने के लिए। तो यहाँ पर ये ख़रीदारी भी हमारी हो गई है। सब कुछ तो अच्छा था, लेकिन जब हम गागर ढूंढ रहे थे तो पूरी गोल गागर नहीं मिल रही थी, कहीं इधर ढपली तो कहीं उधर ढपली, तो वही एक छांट कर लेकर आए हैं। और फिर जो चीज़ें भूलते जा रहे हैं फिर याद करके लेते जा रहे हैं साथ में, क्योंकि जब निकलने लगो ना कि घर चलना है, फिर कुछ याद आ जा रहा था, अभी ये रह गया, अभी वो रह गया है। तो दिवाली की इतनी सारी खरीदारी करके हम लोग आ चुके हैं घर, और काफ़ी टाइम हो चुका था, यानी अंधेरा हो चुका था जब घर पहुँचे हैं। तो आप लोगों को भी दिखा देते हैं कि हम क्या क्या लाए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोगों की दिवाली की तैयारियां कैसे चल रही हैं? जबरदस्त चल रही है ना, धूम धड़ाके से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, हमारी तो शुरू हो चुकी हैं। वैसा जैसे हमने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी चलिए जाने देते हैं, जैसा है वैसा ठीक है। सबसे पहले ये साड़ी है और ये इसका पेटीकोट, तभी इसको अलग रख रहे हैं। ये है हमारी साड़ी, दिवाली में ली है साड़ी, वैसे पिछले साल हमने नहीं ली थी, दिवाली में कोई भी खरीदारी कुछ खास नहीं हुई थी पिछले साल, लेकिन इस बार जमकर खरीदारी की है जितना हो सका। तो ये है हमारी साड़ी और हमने रेड कलर की ली है, क्योंकि पूजा पाठ में रेड या पीला ही चलता है, तो पीली तो हमारे पास थी, तो हमने सोचा चलो हल्की है, कपड़े में भी बहुत ज़्यादा हल्की है, देखिए बहुत ज़्यादा हल्का कपड़ा है, और इसकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इसी वजह से हमने ये साड़ी ली, ये देखिए। और ये हमारी सासू मम्मी की साड़ी है, ये देखिए, उनको इस तरह की साड़ियाँ बहुत पसंद है, जैसे कि ऑर्गेंजा की साड़ी या बनारसी साड़ी, तो ये ऑर्गेंजा में है, और हल्का कपड़ा इसका भी, ये देखिए। और पूरी साड़ी में ऐसे ही स्टोन लगे हैं छोटे छोटे से, और इसका कलर बड़ा ही प्यारा लग रहा था, इसीलिए उनको पसंद आ गई। तो दिवाली में ये हो गई हमारी सासू मम्मी की साड़ी। तो कैसी लगी आप लोगों को सासू मम्मी की साड़ी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये हमने पसंद करवाई थी। और उसके बाद ये है हमारी ननन जी का सूट, ये देखिए, और इसका कलर बड़ा ही प्यारा लग रहा था, मल्टी कलर था, तो इसी वजह से हमको ये पसंद आया। वो तो गई नहीं थी साथ में, हमने कहा कुछ ऐसा ले जो शायद पसंद आ जाए, क्योंकि दूसरों के लिए कपड़े खरीदना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, समझ में नहीं आता है कि पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन उनको पसंद आया। तो ये हमारी ननद जी का हो गया। और ये है हमारे पतिदेव की लोअर और टी शर्ट, टी शर्ट तो अच्छी है पर खोल के नहीं दिखाएंगे वरना रखने में फिर दिक्कत होगी। और ये हमारी चारू की, तो सबसे बाद में है हमारी चारू के कपड़े, और देवर जी अपने मन के कपड़े लेंगे तो आ जाएंगे लेने के लिए, और पापा जी के लिए लोअर आ चुका है और उनका जो मन करेगा वो लेंगे। तो हमने चारू के लिए सूट लिया है पटियाला, ये देखिए, और वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ऐसे है। और ये छोटी सी कुर्ती, इसके ऊपर ये सदरी रहेगी जो रहती है पंजाबी सूट, तो वैसा हमने लिया है कुछ इनके लिए। तो यहाँ पर ये छोटी सी चुन्नी है, और ये चारू को बहुत ज़्यादा पसंद है सूट, और ये हम अपनी पसंद के लाए हैं, क्योंकि हमको चारू के ऊपर ऐसे कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये टॉप स्कर्ट है ये, और ये इसका ऊपर का टॉप, ये देखिए। तो आप लोग बताइएगा कि चारू के कपड़े आप लोगों को कैसे लगे और सबकी खरीदारी कैसी लगी। तो ये तो हो गए कपड़े,
अभी चारू के लिए एक चीज़ हमने और भी खरीदी है। चारू के लिए हम पायल लाए हैं, और चारू के पास थी पायल, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैवी थी, यानी बहुत ज़्यादा झुनझुनू वाली थी, जिधर जाती थी झुनझुन झुनझुन होती थी, तो हमको थोड़ी सी सिंपल लेनी थी, और वो पहनती भी बहुत कम है, ज़्यादा वजन है वो, तो हमने कहा चलो थोड़ी सी हल्की ले लेते हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसी डिज़ाइन है इनकी, बहुत ही सुंदर लग रही थी वहाँ पर हमको। तो यहाँ पर हमारी बिटिया रानी के लिए आए हैं खिलौने, और ये खिलौने हर साल आते हैं बिटिया रानी के लिए, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। चकिया होता है, चूल्हा होता है, और खाना बनाने के सभी बर्तन होते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को हमारी दिवाली की खरीदारी, और जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो भगवान की माला होती है, और थोड़ी डिजाइन वाली जो डियाली होती हैं वो भी लाए थे, तो वो सब बाहर रखा है, वो तो सभी के घरों में आता है, तो हमने कुछ खास खास चीज़ें दिखा दी हैं। कैसा लगा आप लोगों को हमारा आज का यह स्पेशल वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारा अंगूठा सही से नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।